तमाम अखबारों की सुर्खियां रही, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये है कि महंगाई, क्या कोई भी ऐसा मंत्र नहीं जिससे कि लगाम लगाया जाए, क्योंकि दलीलें प्रधानमंत्री यही देते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाए और महंगाई कम हो जाए, लेकिन वो ऐसी छड़ी जरूर घुमा रहा है जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है, कम से कम पेट्रोल के दाम तो जरूर बढ़ रहे हैं और वहां बेबस और लाचार नजर आती है ये केंद्र सरकार की। एक अहम मसला है आवाम से जुड़ा हुआ और किस तरीके से ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती नजर आ रही है, खासतौर पर ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री माने जाते हैं, दुनिया भर में इस दिशा में उनका नाम भी है। ऐसे में क्या सही दिशा में उठाए जा रहे हैं कदम, अहम सवाल है। इन्हीं सवालों पर बातचीत के लिए, जवाब के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, प्राध्यापक एजी अय्यर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अय्यर साहब, जिस तरीके से एक बार फिर आशंका 1.80 रुपए के आसपास पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्या आपको लगता है ये बिल्कुल उठाना ही होगा कदम, इसके अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं हो सकता था? देखिए इसमें बड़ा सवाल इतना पेचीदा नहीं है जितना समझाया जा रहा लोगों को। सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ सब्सिडी चल रही है डीजल के अंदर, बिल्कुल पूरे देश के अंदर आप डीजल की आप गाड़ियां देखिए आज ज्यादा हो गई है। अभी समझिए आपके स्टूडियो में पहुंचना है तो मुझे वो डीजल की गाड़ियों के थ्रू आना, चाहे वो ट्रक है चाहे कुछ है, यहाँ पहुंचना सड़कों पर बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम डीजल की गाड़ियां बना रहे हैं और डीजल का जो भाव है आप देखिए कंपेयर टू पेट्रोल, ये एकमात्र देश है और ऊपर से हम अभी भी अमीर देश नहीं है ना गरीब भी नहीं है, लेकिन कम से कम गरीबी से जस्ट उठे हैं, विकासशील देशों में विकासशील देश मैं बोलूंगा ट्रांजिशनल इकोनॉमी, इसका हिंदी के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा, बट वी आर ए ट्रांजिशनल इकोनॉमी, हम संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, विकसित होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, तो ये ऐसी बड़ी विफल परिस्थिति है, इसके अंदर अगर आपने ठीक स्टेप नहीं लिए तो आप देश का भट्टा भी बैठा सकते हैं। तो ये हमारा जो इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री है, मैं थोड़ा सा क्रिटिकल हूं, जैसे अजीम प्रेम जी अभी 2-3 दिन मेरे को नहीं लगा इन्होंने कोई इकोनॉमिक्स करी है, इस वक्त वो केवल राजनीति कर रहे हैं, पिछले सेकंड टर्म में केवल राजनीति करी है। लेकिन ये साहब एक अहम सवाल उठता है, किस तरह की राजनीति, क्योंकि उन्हें तो पता है कि इससे नुकसान होने का होने वाला है। अब मैं आपके लिए उसको बड़ा अच्छा बताना चाहता हूं कि डीजल की जो सब्सिडी है उसको टोटल हटा देना चाहिए, ये हमारे लिए दीमक की तरह साबित होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर डीजल और पेट्रोल के बीच में आप इतना बड़ा गैप रखें प्राइस का, इसका सवाल ये हो गया कि सारी सब्सिडी इस वक्त 40 से 45 हजार करोड़ हमारी ऑयल की कंपनियां उसमें झेल रही हैं और वो उसमें कुछ बढ़ाना नहीं चाहते, उनकी पॉलिटिक्स ये है, वो कहते हैं कि डीजल अगर हम भाव बढ़ाएंगे तो सब्जियों के भाव बढ़ जाएंगे, इसके बढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखिए सरकार जो वितरण प्रणाली है इसको अगर ठीक रखे तो किसान को जो उसके डीजल पंप से चलाने हैं उसका डीजल देना और जो ट्रकर्स है उनको डीजल देने के अलावा किसी को कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, उस सब्सिडी को केवल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो आदमी आज कोई बेसिक कार खरीदना चाहता है पेट्रोल वर्सेस डीजल, तो आज पेट्रोल की गाड़ी आपको 3-3.5 लाख की अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, डीजल की गाड़ी आप 7 लाख के अंदर लेते हैं, आप देखिए डीजल का आपका प्राइस कम किया हुआ इसलिए आपकी 7 लाख वाली गाड़ी बिक रही है, 3.5 लाख वाली गाड़ी क्यों बिक रही है, क्योंकि आप पेट्रोल का प्राइस आपने बढ़ा दिया है। इस तरह से आप दो चीज कर रहे हैं, एक तो आप सब्सिडी करके अपनी सरकार को मार रहे हैं, जनता को मार रहे हैं, उनका टैक्स खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो प्रदूषण मुक्त नहीं है युक्त है, और आज आपका कार्बन एमिशन आपने कम करना है, यूरोपीय देश आपको प्रेशर डाल रहे हैं और आप उस कार्बन एमिशन को बढ़ा रहे हैं, बताइए कौन सी इकोनॉमिक्स है और मुझे किस किताब में पढ़ाई हुई है कि ये सही है, कौन सी किताब आप उठा के बताएंगे ये सही सब्सटेंस है। तो सरकार झूठ बोलना बंद कर दे, ये सबसे बड़ा झूठ है कहना कि हम पेट्रोल के भाव बढ़ाते जाएंगे, इससे वो आम आदमी को मार लगती है, क्योंकि जो सस्ती गाड़ी खरीदता है वो आम आदमी है, पेट्रोल की गाड़ी 3.5 लाख में खरीदने वाला असली आम आदमी है। अरे सब, लेकिन यहाँ गाड़ी वाला नहीं, एक बात ये भी कही गई है कि तेल कंपनियां जो है वो सरकार पे दबाव बना रही है जिसके चलते अब मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि जो दलील अब सरकार दे रही है कि किसी के दबाव में आकर उनको ये फैसला लेना पड़ रहा है, तो ऐसी सरकार किस काम की? ये तो देखिए सरासर झूठ है, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र में काफी अंदर से काम कर रहा हूं, जितने तेल देखिए पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड से चेयरमैन सिलेक्ट होते हैं जितनी तेल कंपनियों के, ये कोई भी ठीक से सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हर एक आदमी राजनीतिक रूप से सिलेक्ट हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं मंशा राजनीतिक नेताओं के साथ हां करने की है, तो सबसे पहले ये भी झूठ बोलेंगे क्योंकि उनमें सच बोलने की क्षमता नहीं है, यही पढ़ना हजारे कह रहा है कि नहीं तारे चलाइए, तो ये जो बोलना कि भाई हमको भाव बढ़ावा मिला सबसे बड़ा झूठ है। एग्जाम्पल बताता हूं, आपके बराबर कोई टक्कर की कंट्री चीन है,
ठीक है ना, मतलब आपसे आगे की कंट्री है, मतलब वो थोड़ा सा आपसे 10-20% आगे गए हुए, ज्यादा आगे नहीं हमारे से। उधर अगर पेट्रोल 35 रुपए मिलता है तो भारत में क्यों 70 रुपए मिल रहा? ये सवाल का जवाब कोई दे दे मुझे। इसका जवाब है आपके टैक्सेस ही 40% है, सबसे ज्यादा आप पेट्रोल को टैक्स कर रहे हैं, और इसमें केवल केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार भी इस पर टैक्स करती है, क्योंकि ये सबसे आसान है कि सेल टैक्स लगा दिया जाए और उससे पैसा निकाल लिया जाए। ये निकम्मापन है, आपके पास कोई रेवेन्यू क्षेत्र नहीं है और ना ही आप इस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप रोड की परिस्थिति देखिए, अगर पेट्रोल या डीजल से और इनमें टैक्स करके पैसा आए, हमारी सड़कें बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं हमारी सड़कों में सड़क है ही नहीं, हमें चंद्रमा जाने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं बन जाता बिल्कुल रोज। तो अब जब आप कोई चीज नहीं कर पा रहे पैसों के साथ और आप जनता को और टैक्स मार रहे हैं और जनता को और आप लोड दे रहे हैं, इससे महंगाई केवल बिल्कुल। और जनता का सवाल भी यही है कि आखिर सदुपयोग क्या कर रहे हैं आप इस टैक्सेशन के बाद, इस पैसे का सदुपयोग क्या हो रहा है? लेकिन जो दलीलें आती वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, मजबूरी में हमको भी बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जनता एक सवाल और करती है जो विपक्ष भी आरोप लगाता है कि जब घटते तो घटा क्यों नहीं दिया जाता? देखिए बड़ा सिंपल चीज है, कोई चीज बढ़ती है घटती कभी नहीं है। ये व्यापारी मानसिकता है हमारी, मतलब इस व्यापारी मानसिकता के ऊपर इस वक्त अगर आप देखेंगे तो विश्व में जो मूवमेंट हुआ है वो भारत में भी होगा। ये हुआ है कि आज आप देखते कि वॉल स्ट्रीट में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया ऐसी बात पे, और जो आपकी व्यवस्था क्या बोलते हैं यूरोप में है उसमें प्रोटेस्ट हुआ है और काफी सारी गलत चीजें हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस चैनल पे आपको बोलना चाहूंगा कि हमारा देश ये गलती नहीं करे जो एंजेला मर्केल कर रही है जर्मनी में, जो न्यूक्लियर प्रकरण को वो रोक रही है, कहती है कि हमको परमाणु शक्ति से हमको वीज नहीं चाहिए, ये गरीब देश है यहाँ पर बाकायदा परमाणु शक्ति से ही वीज बनेगा, और हमको जवाब नहीं है कि हम समुद्र के बीच में बैठे और अचानक सुनामी आ गए और हमको ले जाए नीचे। ये इतना बड़ा जबरदस्त देश है भौगोलिक रूप में कि उसको उस ऊर्जा की जरूरत होगी, तो कम से कम हमारे को इस देश में जो जनता की एजुकेशन जो कम है उसमें लोगों को लाना पड़ेगा, और हमारे को मिसलीड भी किया जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ मास मूवमेंट जैसे जैतापुर में लड़ाई हुई, ये मास मूवमेंट बहुत गलत मास मूवमेंट है, ये कोई मास मूवमेंट नहीं है, ये कुछ चंद मतलब गिने चुने लोग जो बिल्कुल सरकार को ठप करना चाहते वो भी अपनी जगह बिल्कुल। लेकिन सरकार सही दिशा में आगे बढ़ी कैसे? क्या आपको लगता है कि सरकार पहचान भी पा रही अब भी कि हिंदुस्तान गांव में बसता है, किस तरह से उनकी जरूरत है? अगर डीजल पर सब्सिडी दी जानी चाहिए तो सिर्फ किसको दी जानी चाहिए, किनसे पूरा वसूला जाना चाहिए? क्या ये आकलन सही नहीं हो पा रहा और इसीलिए 32 रुपए और 36 रुपए और 26 रुपए तय की जाती है गरीबी रेखा प्लान? देखिए क्या है कि अब गरीबी रेखा बहुत डिस्कशन हो गया है। मैंने देखा था सन 2004 में इंडिया ब्रांड स्टेट था, भारत देश एक ब्रांड, अगर मैं उसका हिंदी में आकलन करूं तो मेरे को समय मिलेगा तो मैं जरूर लिखूंगा देश एक ब्रांड। उसके अंदर मैंने ये बात बिल्कुल साफ लिखी थी कि हमारी जो गरीबी रेखा है और गरीबी अगर डेफिनेशन है वो खलास हो जाएगी सन 2011-12 में, और मैं इसमें 100% सच निकला मेरी बात, क्योंकि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे यूरोपीय देश है वो कॉन्स्टेंटली भारत को एक गरीब देश ही रखना चाहते हैं। तो ये अगर परिस्थिति आप बोले तो हमें किसी ना किसी तरह से एक डेफिनेशन चुनना पड़ेगा कि हम इतने गरीब नहीं रहे। आज हमारा हर आदमी अपना एक टाइम पर खाना तो ले ही लेता है, तो ये अगर बात मानेंगे तो मैं बोलता हूँ वो सत्य है। लेकिन इमीडिएटली बोलना कि बीपीएल जो लाइन जो हमने बनाई है जिसके ऊपर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी राष्ट्र की चलती है वो 35 रुपए है और उसमें एक आदमी काम चला लेगा या परिवार चला लेगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। बिल्कुल, ये तो ये सीरियस खारिज भी इसे किया गया, लेकिन सबसे खास बात यह है आम जनता जीडीपी के आंकड़े कि आखिर महंगाई दर किस तरह से ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है इसे नहीं समझना चाहती। वो चाहती है कि महंगाई किसी भी सूरत में कम हो। पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं बिल्कुल अपरिहार्य माना जा रहा है, आपको नहीं लगता महंगाई क्यों बढ़ेगी? देखिए मैंने तो कल शाम को ही आपके चैनल में बोला है और मैं फिर बोल रहा हूँ सुबह दोहरा रहा हूँ चीज को। सबसे पहले ये मिडिलमैन इकोनॉमी है इसको खत्म करिए। ये मिडिलमैन जो है ना सारे पैसे कमा है, हमारा जो किसान है एक तरफ है और जो उत्पादक है किसान की मैं बोलो सभी उत्पादक, किसान तो हमारे कम से कम 30% उत्पादक है, बाकी भी उत्पादक है, और दूसरी तरफ है कंज्यूमर ग्राहक जो खरीदते हैं, चाहे आप फूड ग्रेन बेचिए चाहे आप कार बेचिए, इन दोनों के मध्यस्थ करने वाले कौन है? ये मिडिलमैन इकोनॉमी कैसे खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी। अगर आपने आज इस महाराष्ट्र ले लिया, अगर हमारी सारी सड़कें सीधी की सीधी शहरों की तरफ और अर्बन सेंटर और रूरल सेंटर कनेक्ट कर देते आज, मेरे को नहीं लगता कि आपको मेरे को सरकार को बीच में जाने की जरूरत थी। अपने आप किसान अपने भाव ले लेता। और दूसरी चीज जिनको करनी चाहिए थी, जो रिटेलर आज रिलायंस
टाटा बिरला ये रिटेलर नहीं है मेरे लिए। आज मेरे जो क्लोजेस्ट किराने की दुकानें हैं, जो छोटी मोटी दुकानें हैं, उनमें कुछ लाना चाहिए। यूआईडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है, उसको कहते हैं माइक्रो रिटेल। माइक्रो रिटेल को रिकॉग्नाइज करना, इसमें आईएसओ प्रकार के सिस्टम लाना और इंश्योर करना कि पीडीएस के अलावा पैरेलली आपको यहां से माल मिले, तो आप यहां भेड़ नहीं सह रहे होते, चूहे नहीं खा रहे होते। और ये बड़ी समस्या है कि मौजूद तो है लेकिन उसका वितरण सही तरीके से नहीं हो रहा है। और वितरण प्रणाली जिस पर कई दफा सवाल खड़े किए गए हैं, जरूरत इस बात की कि छोटी छोटी चीजों पर गौर किया जाए तो शायद बड़ा बोझ आम जनता पर न डाला जाने की जरूरत पड़ेगी। इसमें मैं कहना चाहता हूं, मैंने जो स्टडी करी है 40% के भाव कम हो जाएंगे, 40% जो आप इन्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं, 40% कम हो जाएगा जैसे ही आप डायरेक्ट कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर आप चले जाए। देखिए एक बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर अभी आप कोल्हापुर सातारा सांगली ये सब देखें, काफी प्रोड्यूस होता है, जैसे दूध, टमाटर, कांदा, मतलब प्याज, हरेक का उत्पादन हम ये स्टेट एक बड़ा हिस्सा एग्जाम्पल है। अगर आप उसको समय पे आप पहुंचा दें, मतलब ट्रैफिक पे नहीं रुके, कॉरिडोर बनाए, छोटे कॉरिडोर बनाए, बड़े राष्ट्र कॉरिडोर की बात बंद करें, राज्यों के अंदर कॉरिडोर बनाए कि ये माल अपना आना जाना इसका आवाजाही नहीं रुकेगी और समय पर पहुंचेगा, और आप मिडिलमैन खत्म कर दीजिए और डायरेक्ट पहुंचाइए। ये सरकार को आने की जरूरत नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाइए इसमें कि बड़े बड़े वेयरहाउसेस खड़े हो जाए। और इस पर तो चर्चा पिछले काफी समय से हो भी रही है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन किस तरीके से शामिल किया जा सकता है और व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। और शायद ये छोटी छोटी चीजें अगर ठीक हो जाए, बड़े फैसले ऐसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि जनता आहत हो। अयन साहब, एक खास मसले पर आपकी बेशकीमती राय हम तक और दर्शकों तक पहुंचे, शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस खास चर्चा के लिए। और ये एक ऐसा मसला है जिस पर लगातार चर्चा भी हो रही है, देखना यह है कि सरकार कैसे चीजों से निपट पाएगी। जी, विचार अगर ठोस हो और एक दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सरकार में हो तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो लेकिन उसे आसान से सलूशन उसका निकल ही सकता है। बस एक इच्छा शक्ति की कमी है जो सरकार में नजर आ रही है। बिल्कुल, और यही आरोप भी लगातार अब सरकार पर भी लगते जा रहे हैं। देखना यह सरकार दिखेगी कैसे, क्योंकि इसी से कम अज कम वो मानी रही है कि पेट्रोल के दाम उन्हें बढ़ाने ही पड़ेंगे। देखना यह है कि क्या इससे वो कुछ छुटकारा या निजात आम जनता को दिला पाएगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त चला है, वैसे भी जल्द आप